प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका है, हमने अपने पहले इससे पहले वाले वीडियो में गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए थे। आज हम वही प्रक्रिया द्विघाती सूत्र के द्वारा करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, किस तरह से द्विघाती सूत्र द्वारा। तो प्रश्न को हल करने के लिए पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र क्या है। दूसरी बात, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारा जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, और मूलों का अगर अस्तित्व है यानी कि वो है अवाति में, तो उनको ज्ञात भी करना है कि मूल क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। तो इसका जो वर्किंग रूल है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मानक द्विघात समीकरण है, जो स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है उसको लिखते हैं। वो होता है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स प्लस सी बराबर है जीरो। अब इसमें आप देखेंगे कि इसकी शक्ति दो है, इसकी सबसे बड़ी जो शक्ति है दो है। तो इसके ज्यादा से ज्यादा दो मूल हो सकते हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा दो मूल हो सकते हैं। ये बात हो रहा है कि दोनों समान है असमान है, या वो काल्पनिक है, वो वास्तविक नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन इसके ज्यादा से ज्यादा दो मूल हो सकते हैं। यानी कि अगर शक्ति तीन होती यहां पे, तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने मूल हो सकते थे, तीन मूल हो सकते थे। तो द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो शक्ति दो, और जो मूलों की संख्या होगी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, दो होगी। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम डी निकालेंगे। डी इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसको बोलेंगे विविधकर। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी। तो डी निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी। अब इसको जो सोल्व करके वैल्यू आएगी वो या तो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी या फिर वो जीरो। अगर तो डी की वैल्यू आती है पॉजिटिव प्लस की, अगर इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो डी का मान है वो पॉजिटिव आता है, प्लस का आता है, तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक और असमान, अलग अलग। अलग अलग का मतलब एक मूल आया दो, तो दूसरा मूल दो को छोड़ के कुछ और होगा, तीन चार पांच, इस तरह से अलग अलग होंगे दोनों, दोनों का मान अलग अलग होगा। अगर डी हमारा आ जाता है जीरो, तो मूल होंगे वास्तविक और समान, एक जैसे दोनों मान एक जैसे होंगे। अगर हमारा डी अगर माइनस का, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब इन केस के लिए, इन दोनों केस के लिए, केस फर्स्ट के लिए और केस सेकंड के लिए, इनमें मूल आएंगे हमारे वास्तविक मूल, तो वास्तविक मूल कैसे निकालेंगे,
उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे में दो ए, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे में दो ए। एक बार प्लस वन ले लेंगे और एक बार माइनस वन ले लेंगे, तो हमें ये दो काम करने। तो द्विघाती सूत्र में एक तो बात क्या होगी, हमें डी डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर हमें निकालना है, जिसका मान है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी। इसको चेक करेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर जीरो है। उसके बाद अगर ये हुआ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ या जीरो हुआ तो क्वेश्चन आगे चलेगा और एक्स का मान निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे में दो ए। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन वहीं पर रुक जाएगा, हम क्या लिख देंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होगा। आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी, उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं एक बार। तो हमने इसमें तीन क्वेश्चन लिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास 2x² माइनस 3x जमा 5 बराबर है जीरो, क्योंकि द्विघात समीकरण है बराबर है जीरो। तो इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और मूल भी ज्ञात करने हैं अगर वो अस्तित्व में है यानी कि एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हमारे जो मानक द्विघात समीकरण है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर देते हैं। ax² जमा bx जमा c बराबर है जीरो। तो हमारे पास a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 2, b का मान कितना आ गया माइनस 3, a का मान हमारे पास 2 आ गया, b का मान माइनस 3 आ गया और c का मान कितना आ गया 5। तो ये a b और c का मान। अब हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, वो कितना है b² माइनस 4ac। तो d हमारे पास हो जाएगा b माइनस 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना में a का मान 2 और c का मान 5। तो d आ गया हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 की, जब माइनस 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 3 9 प्लस के 9 हो जाएंगे, माइनस 4 दूनी 8 आठ पंजे 40, तो ये हो गया 40। तो d प्लस के तो 9 है और माइनस के 40 है, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 31। अब d का मान कैसा आ गया, d का मान नेगेटिव आ गया माइनस 31 आ गया, क्योंकि d का मान माइनस 31 आ गया तो इस वजह से इसके मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, आगे फॉर्मूला नहीं रहेगा। आगे फॉर्मूला कब लगता, जब ये या तो जीरो हो जाता या फिर ये प्लस का होता, क्योंकि ये माइनस का आ गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब कोई वास्तविक मूल है ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे, तो ये क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में क्या है। दूसरा है इसमें 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x, 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x और जमा 4 बराबर है 0। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो मानक समीकरण है द्विघात समीकरण उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा माइनस 4 वर्गमूल 3 और c का मान आ जाएगा 4। a का मान x² के साथ जो लगा हुआ है 3, b का मान x के साथ जो लगा हुआ है माइनस 4 वर्गमूल 3। ध्यान रहे स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, तो प्लस माइनस जो भी है साथ में लेना है। c का मान हमारे पास कितना है 4, तो d निकालेंगे हम b² माइनस 4ac। तो d है हमारे पास b का मान माइनस 4 वर्गमूल 3 और इसका स्क्वायर है माइनस 4 गुना में a का मान 3 है और c का मान 4 है। अब देखो इसकी गुना करनी है,
माइनस चार वर्गमूल तीन की, जब आप माइनस चार वर्गमूल तीन क्योंकि वर्ग है इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास चार की चार के साथ सोलह बनेगा, वर्गमूल तीन के वर्गमूल तीन के साथ तीन बनेगा, सोलह की कितने आ जाएंगे हमारे पास अड़तालीस हो जाएंगे, तो इससे हमें कितना मिलेगा अड़तालीस माइनस चार के बारह, बारह चौके अड़तालीस, तो डी कितना आ गया जीरो। तो डी का मान जीरो आ गया, तो मूलों की प्रकृति कैसी हुई, तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे हमारे मूल वास्तविक और समान होंगे, समान मतलब बराबर होंगे, दोनों मूल कैसे होंगे बराबर होंगे। अब मूल निकालेंगे कैसे, मूल निकालने के हमारे पास फॉर्मूला है x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे में दो ए। तो x का मान ध्यान से, क्योंकि बी माइनस पहले लगा हुआ है और b का मान भी कितना है माइनस में, यह माइनस चार वर्गमूल तीन प्लस माइनस वर्गमूल जीरो, d का मान जीरो था, बटे में दो गुना में a, a का मान हमारे पास कितना है तीन, a का मान हमारे पास तीन है, तो x बराबर है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये चार वर्गमूल तीन बटे में, ये हमारे पास दो वर्गमूल तीन है, दो गुना में तीन है क्योंकि ये तो जीरो ही हो गया, तो एक बार जब हम प्लस का लेंगे तब भी ये जीरो ही आएगा और जब ये माइनस का लेंगे तब भी ये हमारे पास जीरो। एक बार हमें किसका ये काम किसके लिए करना है, ये प्लस माइनस हमारे पास वर्गमूल जीरो से कितना मिलेगा जीरो, तो इसके दो मूल हमारे पास, एक तो चार वर्गमूल तीन प्लस जीरो बटे में छह लिख देंगे यहां पे हम, और दूसरा क्या होगा x बराबर है चार वर्गमूल तीन माइनस जीरो बटे में छह लिख देंगे। अब यहां से दो की अच्छी आप यहां पे चाहो तो यहां पे भी लिख सकते थे, तो x का मान आ गया चार वर्गमूल तीन बटे में छह, और यहां से x का मान आ गया चार वर्गमूल तीन बटे में छह, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा दो और तीन, तो ये दो वर्गमूल तीन बटे में तीन, और यहां से सोल्व किया ये भी इसी तरह से दो और ये तीन, तो दो वर्गमूल तीन बटे में तीन, तो ये भी यही आया। तो x के जो दोनों जो द्विघात समीकरण के दोनों मूल आए वो कितने आए दो वर्गमूल तीन बटे में तीन और दो वर्गमूल तीन बटे में तीन। आप चाहो तो इसके साथ कैंसिल कर सकते हो, जैसे दो वर्गमूल तीन बटे में तीन है तो दो वर्गमूल तीन, तीन को हम लिख सकते हैं वर्गमूल तीन गुणा में वर्गमूल तीन, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दो बटा वर्गमूल तीन ये भी लिख सकते हो, लेकिन जल्दी हम रूट को नीचे लिखने की बजाय ऊपर ले जाते हैं, परिमेयकरण करते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो ये ज्यादा बेटर सिचुएशन है, तो यही हमारे पास आंसर आ गया, तो ये हमारे इसका आंसर है। तो ये था हमारा दूसरी टाइप का क्वेश्चन। अब आपने देखा पहले टाइप के जो क्वेश्चन था उसमें डी का मान कैसा आया, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास डी का जो मान आया वो कैसा आया, जीरो आया, तो जीरो आ गया अगर मान तो दोनों मूल समान होंगे, तो समान के लिए हमने फॉर्मूले में रख दिया तो प्लस जीरो करेंगे तब भी वही वैल्यू मिलेगी और माइनस जीरो करेंगे तब भी वही वैल्यू मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी टाइप का जो क्वेश्चन है देखते हैं हम उसमें क्या फर्क पड़ेगा। हमारे पास जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन है वो है दो एक्स स्क्वायर माइनस छह एक्स जमा तीन बराबर है जीरो। तो इसमें हमारे पास जब इसको मानक द्विघात समीकरण के साथ हम कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी के साथ, तो ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा दो, बी का मान कितना आ जाएगा माइनस छह और सी का मान कितना आ जाएगा तीन, ये आ गया हमारे पास। अब हम डी निकालेंगे, डी है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी का मान आ जाएगा बी माइनस सिक्स इट्स स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान है दो और सी का मान है हमारे पास तीन, तो डी आ जाएगा माइनस छह की माइनस छह के साथ छत्तीस मिल जाएगा हमें, माइनस चार दूनी आठ, आठ के चौबीस, चौबीस डी का मान आ गया हमारे पास बारह,
तो ये प्लस का आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो कैसे होंगे मूलों का जो प्रकृति है वो कैसी होगी, मूल होंगे वास्तविक और असमान, अलग अलग। अब की बार जो हमारे पास मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। अब मूल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे में दो ए, रखते हैं मान, बी का मान कितना, माइनस छह, माइनस पहले ही है और ये माइनस छह प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी का मान है हमारे पास बारह बटे में दो गुना में, ए का मान हमारे पास है दो, तो एक्स बराबर है माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस। अब देखो ये जो बारह है इसको लिख दिया हमने चार गुना में तीन, और ये बटे में हमारे पास है चार। अब इसमें से छह प्लस माइनस ये हो गया दो वर्गमूल तीन, तो चार का हमने बाहर निकाल लिया, चार से बाहर, चार का वर्गमूल दो होता है, तो दो वर्गमूल तीन और बटे में चार, ये बना हमारे पास। तो अब हम इसको अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, एक बार तो एक्स का मान क्या हो जाएगा छह, आप चाहो तो यहीं पे इकट्ठा भी कर सकते हो, तो छह प्लस दो वर्गमूल तीन बटे में चार, और एक हो जाएगा छह माइनस, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे बटे में चार, एक्स बराबर है, इसमें से दो कॉमन आ जाएगा, दो अंदर आ जाएगा, तीन दूनी छह तो तीन जमा वर्गमूल तीन और बटे में चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो एक्स का मान आ गया तीन जमा वर्गमूल तीन बटे में दो। एक तो ये आ गया हमारे पास, यहां से एक्स बराबर है, दो कॉमन लिया तो ये हो गया तीन माइनस वर्गमूल तीन बटे में चार, तो एक्स बराबर है दो एकम दो, दो दूनी चार, तो ये आ गया एक्स नहीं थ्री माइनस वर्गमूल थ्री और डिवाइड बाय टू, तो तीन माइनस वर्गमूल तीन बटे में दो, दोनों अलग अलग है, यही कहा था हमने। आप चाहो तो ये जो स्टेप था, ये जो स्टेप था इसको आगे बढ़ा दो। अब देखो इसमें से यहीं पर अगर दो कॉमन निकालते हैं हम, क्योंकि यार है ये हो जाएगा तीन प्लस माइनस वर्गमूल तीन और बटे में चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो हमारे पास बच गया तीन प्लस माइनस वर्गमूल तीन बटे में दो, तो एक तो मूल हो गया प्लस के लिए तीन जमा वर्गमूल तीन बटे दो ये रहा, और एक हो गया माइनस के लिए तीन माइनस वर्गमूल तीन बटे में दो ये, तो इस तरह से भी आप यही पे कॉमन लेके भी कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन में होता है, जैसे मान लो आपके पास सोल्व करते हुए ऐसे हो जाए छ प्लस माइनस दो और बटे में दो, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो छह प्लस दो बटे में दो और एक छह माइनस दो बटे में दो, तो ये हो जाएगा आठ बटे दो, आठ बटे दो से हमें कितना मिल जाएगा चार, और छह माइनस दो चार, चार बटे दो से कितना मिल जाएगा दो, तो उस हिसाब से फिर हम इस तरह से चलते हैं, और यहां पे कॉमन आ रहा था तो हम कॉमन एक बार में ही ले सकते हैं, तो इस वजह से दोनों ही बातें आपको बता दी। तो ये था हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें जो मूल थे वो वास्तविक और असमान थे। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का टॉपिक, कैसा लगा आपको टॉपिक ये आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, और जो वीडियो है उसको लाइक, और जो भी जरूरतमंद है, जो भी आपका साथी आपके साथ पढ़ रहा है उसको बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।